उस पर मर गया, कभी भी अल्लाह की पकड़ और अजाब और आग से वो निकल नहीं सकता। दुनिया में सबसे बड़ा काम है लोगों को जहन्नम से बचाना। अगर इससे बड़ा कोई काम होता तो अल्लाह नबियों को अता फरमाता। अल्लाह के सबसे महबूब, सबसे मुकर्रब, सबसे प्यारे लोग अंबिया हैं। नबियों से बढ़कर अल्लाह ने किसी बादशाह को सलाम नहीं भेजा कि अल्लाह ने कहा होगा फलां बादशाह को मेरा सलाम कहो। अल्लाह ने कुरान में जितनी दफा सलाम भेजा है वो नबियों को भेजा है। सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन और सलामुन अलल मुरसलीन। सारे नबियों को मेरा सलाम हो। तो दुनिया में तब्दीली के आने का एक ही रास्ता है, वो ये दावत और तबलीग है। फिरौन जैसी ताकतवर हुकूमत थी और अल्लाह ने उसको ख़त्म करने के लिए और उसकी कौम को ईमान का पैगाम पहुंचाने के लिए नबी कोई भेजा, कोई लश्कर नहीं भेजा। अब थोड़े से लोग हैं अभी जो खड़े हो, कुछ और होंगे, देखने में आप बड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं और आपके कोई ज़्यादा आप में मालदार कोई नहीं है, कोई बड़ा आला तालीम याफ्ता कोई नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं शुरू में तबलीग में लग गया। 1971 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पढ़ता था, जो वहाँ मुझे तबलीग के काम का तारुफ हुआ। मेरे अपने कुछ दोस्त, मैं तो ज़्यादा तबलीग से मुतासर नहीं हुआ था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त मुतासर हो गए थे। वो मुझे ज़बरदस्ती 3 दिन के लिए ले गए। वो उनकी ज़बरदस्ती मेरे लिए रहमत बन गई। वो तो वहीं रह गए और मैं 3 दिन से 4 महीने कर दी। 3 दिन का निकला, 4 महीने पूरे करके वापस आया। तो 4 महीने के आखिर में मेडिकल पढ़ने का शौक़ ख़त्म हो गया और मदरसे में दाखिल हो गया। तो शुरू में मैं रायमंड में ही चला गया, तो 150-200 आदमी होता था टोटल और मस्जिद खाली होती थी और बात ये हो रही होती थी सारी दुनिया में अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना है, क्या किया जाए। तो उस वक्त ख्याल आया करता था, इतने से तो लोग हैं और ये सारी दुनिया की बातें करते हैं और हैं भी सब गरीब लोग। तबलीग में आने वाले 70 में सब देहाती, मेवाती, गरीब, शिकस्ता हाल लोग। हमारी जमात चली, हमारी जमात चली, एक पैदल जमात चली हमारी 1 महीने की। तो हो उस 1 महीने में हमारा रायमंड से जाना, फिर उस जगह से वापस आना, ये किराया भी, और पूरे महीने में हमने अपना ही पकाया, अपना खाया, हमारे 27 रुपए खर्च हुए, 27 रुपए पैकसन। इतने थोड़े खर्च के बाद भी जमात के दोस्त कहते थे अमीर से, खर्चा कम करो, हमारे पास पैसे कोई, हम गरीब लोग हैं, खर्चा थोड़ा करो, ये खर्चा ज्यादा हो रहा है। एक दफा हमारे अमीर ने चावल मीठे पका दिए, बीच में गुड़ डाल दिया, तो 2 आदमी अमीर से लड़ पड़े कि तुमने गुड़ क्यों डाला है, तुमने पैसे हमारे ज्यादा खर्च करवा दिए, हम तो कर्जे उठा के आए हैं। एक उसमें बाबा था डेरा इस्माइल खान का, उसका नाम था खुदा बख्श, फौत हो गया रहमतुल्लाह अलैह। तो वो आया हुआ था 1 महीने के लिए मेरा। तो मैंने उससे कहा, बाबा तुम 1 महीने के लिए आए हो, ना चिल्ला ना 4 महीने, तबलीग में तो ये चिल्ला होता है 40 दिन या 3 चिल्ले होते हैं 4 महीने, तुम 1 महीना क्यों लगा रहे। वो कहने लगा, पुत्र मैं बहु गरीब, अपने जुबान पुत्र मैं बहु गरीब, मैं बहुत गरीब हूं, मैं ये छोले की रड़ी लगाता हूं, छोले की रड़ी, तो मेरी 4 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं, तो मैं रोजाना छोले बेचता हूं और उसमें से मैंने इरादा किया कि मैंने तबलीग में वक्त लगाना है। तो मैं 4 आने की रोजाना सेविंग करता था, इससे ज्यादा की मेरे पास गुंजाइश नहीं थी, 4 आने रोजाना सेविंग करता था। और मैंने कोई कितना अरसा, मुझे अरसा याद नहीं रहा,
कितना अरसा मैंने चार चार आने जोड़े और फिर उसको मैंने आधा किया, बीवी को दिया बच्चों के खर्चे के लिए और आधा लेकर मैं रायमेड आया। इसमें एक महीना लग सकता है, इससे ज्यादा लग नहीं सकता। ये मेरे ऊपर बीते हुए हालात हैं। एक फकर का दौर था और लोग मजाक उड़ाते थे, क्या तुम ऐसे बेवकूफों के दावे करते हो, ना तुम्हारे पास कोई आदमी, ना तुम्हारे पास पैसा, ना तुम्हारे पास पढ़े लिखे लोग, तो तुम कहते हो सारी दुनिया सारी दुनिया। लेकिन भाई अल्लाह ने मरने से पहले सारी दुनिया में फिराया और दिखाया कि कैसे तबलीग का काम सारी दुनिया में अल्लाह ने पहुंचा दिया। पूरी दुनिया में एक अल्लाह के नबी की बशारत सुनो। एक सफर से वापस आए तो आपका रंग बहुत पीला पड़ गया था और कपड़े भी सारे मैले हो गए थे। तो फातिमा, आपकी आदत ये थी जब आप सफर पे जाते थे तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा को मिलते थे, तो जब सफर से आते थे तो सबसे पहले अपनी बेटी को मिलते थे। तो आप उनसे मिलने गए तो फातिमा रजी अल्लाह ने आपको देख के रोने लगी। तो आपने फरमाया बेटी क्यों रो रही हो? कहा रसूल अल्लाह आप देखें आपका क्या हाल हो गया, कपड़े आपके मैले हो गए, रंग आपका पीला पड़ गया। तो आपने फरमाया मेरी बच्ची ना रो, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा अल्लाह तेरे बाप के कलमे को हर कच्चे पक्के घर में दाखिल करके रहेगा और जहां जहां तक रात जाती है वहां वहां तक अल्लाह इस पैगाम को पहुंचाएगा। तो ये हदीस अभी तक बाकी थी जिंदा होने में। आज का जो दौर है ये वो दौर है जब ये हदीस का वादा जिंदा होने वाला है और पूरा होने वाला है कि अल्लाह हर कच्चे पक्के घर में इस बात को पहुंचाएगा। दुनिया के आखिरी किनारों तक जमातों ने पहुंचकर अजाने दी हैं, नमाजें पढ़ी। नॉर्वे के ऊपर है नॉर्थ पोल एंड ऑफ द वर्ल्ड, जहां आगे आबादी खत्म है, पानी है। तो हम गए नॉर्वे पिछले साल, तो उससे पिछले साल तो मैंने वहां के साथियों से कहा भाई मैंने वहां जाना है। वो कहने लगे हम तो यहां रहते हैं, हम वहां कभी नहीं गए, तो आपने क्या करना है? मैंने कहा उधर जाके अजान देनी है, नमाज पढ़नी, दावत देनी। अल्लाह के नबी की बात है कि दुनिया के आखिरी किनारे तक अल्लाह मेरी बात पहुंचाएगा। पर ये शौक है कि उससे पहले भी लोग पहुंचे होंगे, पर मैं भी उनमें शामिल होना चाहता हूं कि मैं कहूं कि या रसूल अल्लाह मेरी मुलाकात हो, तो या रसूल अल्लाह मैंने आपका नाम उस आखिरी किनारे पर भी लिया था। तो वो फिर मुझे डराने लगे, 2 घंटे की फ्लाइट है, 4 घंटे की ड्राइव है, आप थक जाएंगे। मैं कहा नहीं जाना जरूर, हमारी उधर थी तो नहीं तश्कील पर, मैंने जाना जरूर। तो खैर 2-4 साथी वहां के लिए कुछ अपने वहां से हम 2 घंटे का सफर करके पहुंचे। फिर वहां से आगे, वहां एक छोटा सा शहर था आल्टा, तो मैं देख के हैरान हो गया को बिल्कुल टॉप पर है। वहां 2 महीने सूरज निकलता नहीं, दिसंबर जनवरी, और 2 महीने सूरज डूबता नहीं, जून जुलाई, ये 2 महीने डूबता नहीं। तो वो आल्टा दुनिया का आखिरी शहर है नॉर्थ में, वहां से रोजा जमाते निकली हुई थी और वहां गश्त हो रहा था और वहां तालीम हो रही थी। कौन थे वहां? सोमालिया के मुसलमान। सोमालियन जब निकले तो माइग्रेट हुए तो मुख्तलिफ जगहों पे आबाद हुए, सोमालियन मुसलमान। उन्होंने वहां मस्जिद बनाई बड़ी खूबसूरत छोटी सी, वहां से रोजा जमा 3 दिन की जमाते निकल रही थी, गश्त हो रहा था, तालीम हो रही थी। उन्होंने हमें गाड़ियां में, ओ भाई तू ये मेरे सामने बैठा क्या कर रहा, तू मेरी सुन, तू उधर क्या देख, तू यहाँ टीचर बन के बैठा है कि मेरी सुनने बैठा? अच्छा फिर मेरी सुन। तो वहां से उन्होंने हमें अपनी गाड़ियां दी, तो हम वहां से 4 घंटे मुसलसल चले और आखिरी किनारे पर एक गांव है छोटा सा, इसकी 1500-2000 आबादी। तो उसमें जो पहला मुसलमान हमें मिला उसने कहा मेरे 10 दिन तबलीग में लगे हो,
कैसे तबलीग के जा रहे हैं, रूट्स देखने में क्या था, मैवाती अनपढ़ फिर रहे थे, उनको कही क्या दीन का काम करे, काम तो अल्लाह करता है, कोई इंसान थोड़े करता, जब अल्लाह लेने का इरादा करता है तो उसने खुद खुद से ले लिया। मैं अभी यमन गया जमात में, अभी यहाँ आने से पहले यमन गया हुआ था, तश्कील थी, तो वहां हम गए मलक बिल्किस का देखने के लिए, वो तख्त, वो सना से कोई 5-6 घंटे की ड्राइव थी, तो मैं देखा 3000 किलोमीटर फलस्तीन और सन और वो मारिब जाएगा ना, मारिब है वो उस जमाने की सबसे बड़ी तहजीब थी, और एक हुद हुद उस कौम के ईमान लाने का जरिया अल्लाह ने बना दी। और आपको अजब बात बताऊं, वहां के मकामी जो लोग थे ना, जिन्होंने हमें वो वहां एक चौकीदार है उसने गेट खोल के हमें अंदर लगे, उन्होंने बताया कि मुसलसल हुद हुद यहां मौजूद है, मुसलसल एक नस्ल चली आ रही। फिर हमने देखा उसका छोटा सा सुराख में वो था, आगे उसके पांव लगे हुए थे, वो खुद धूप थी सख्त, वो अंदर था, तो उन्होंने कहा ये तसलसल से चला आ रहा है सिलसिला। तो अल्लाह ने एक हुदहुद को पूरी कौम के ईमान में आने का जरिया बना दिया, कोई है अकल में आने वाली बात? और अल्लाह को उसका जाना इतना पसंद आया, तुम काम करने वाले बनो, तुम्हारा अनपढ़ होना, तुम्हारा गरीब होना कोई रुकावट नहीं बनेगा, काम करने वाले बनो। तो अल्लाह को हुदहुद का जाना ऐसा पसंद आया, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, वो अचानक गायब हो गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाजिरी ली तो वो था नहीं, कमाल अला अरल हुदहुद, अरे हुदहुद कहां है, अमकान मिनल ग़ाइबीन, या मेरे पूछे बगैर कहीं गायब हो गया, लअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, आने दो मैं उसको ऐसी पिटाई करूंगा कि याद रखेगा, औ लअज़्बहन्नहु या मैं उसे ज़बह करके खिला दूंगा, औ लयातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन या मुझे कोई अच्छी खबर सुनाए तो फिर माफी होगी। जब हुदहुद वापस पहुंचा तो उसे परिंदों ने बताया तेरी गैर हाजिरी लग गई, आजा तेरी खैर नहीं, या तू गया हांडी या तेरे पर गए। तो हुदहुद आया सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में, ऐसे उनका तख्त तो हवा उड़ाती थी, तो आकर ना दरबार में अगर ऐसे गिरा और अपने पर यूं फैला दिए और ऐसे गर्दन ऐसे टेढ़ी कर दी और पांव यूं फैला दिए आजजी और मस्कनत की यूं करके गया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम हंसने, उन्होंने आते ही अपनी माजरत पेश किया। जब वो मुसलमान हंस पड़े तो दलेर हो गया, किधर गए थे, अहत तो बेमा लम तहत बेही, मैं वहां गया था जहां आपको भी पता कुछ, वजी तो कम इन सब इन बेनब इन यकीन, मैं कौम सबा की पूरी कारगुजारी लेकर आया हूं, इन्नी वजह तुम रातन तम लिखो हूं, मैंने एक औरत को देखा वहां बादशाही करती है, तो ऊतियत मिन कुल्ली शय, और उसका मुल्क सबसे बड़ा मुल्क है, वलहा अर्शन अज़ीम, उसका तख्त बहुत बड़ा तख्त, उस तख्त के हमने पाए देखे, तख्त तो कोई नहीं है, वो वाकई बड़ी बला कोई तख्त था, वयत्तहा वकौमहा यस्जुदून लिश्शम्सी, और वो सारे सूरज की पूजा कर रहे हैं, उनका वो जो था टेंपल जिसमें वो सूरज की पूजा करते थे वो भी खड़ा हुआ है, काफी सारे उसकी चीजें बिल्कुल सही सलामत, पता नहीं क्या बलाए थे कैसे उन्होंने बनाया, फिर उनका डैम बनाया था उन्होंने, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम था उस वक्त, वो उसके भी आसार मुकम्मल खड़े हुए हैं। तो एक पूरी तारीख बन गई और जरिया एक हुदहुद बना, हुदहुद करने वाला अल्लाह है, आप लोग काम करने वाले बनो, अल्लाह हिदायत की शक्लें कायम करते। हम वहां पहुंचे तो पहला आदमी जो मिला उसके 10 दिन अल्लाह के रास्ते में लगे, और वहां से हम आगे 1.5 घंटे का आगे सफर था, उस गांव से आगे 1.5 घंटे का सफर था, तो उस वक्त कोई रात के 12 बज रहे थे और सूरज अभी खड़ा था, 4 अगस्त था, तो अगस्त में सूर्य डूबना शुरू हो जाता है, तुम्हारे पहुंचते पहुंचते सूर्य डूब गया, तो पता चला कि 25 मिनट के बाद सूर्य निकल आएगा, सिर्फ 20 मिनट उसने डूबना है फिर निकल आना है, तो 20 मिनट में हमने मगरब भी पढ़नी है, ईशा भी पढ़नी है, फजर भी पढ़नी, तीनों नमाजें पढ़नी, वो टाइम ही थोड़ा, इतनी 20 मिनट की रात थी, पहले तो सूरज चल रहा था, हम पहुंचे तो सूरज डूब गया, अब वहां से पता चला वो जो हमारे साथ था वो जिसके 10 दिन लगे थे कि 20-25 मिनट बाद सूरज बाहर निकल आएगा, तो खैर
गए तो इतनी शदीद ठंड और सर्द हवा, मैंने मफलर से लपेटा और गाड़ी से निकल के दौड़ लगाई। वो समंदर के किनारे ऊपर बड़ी हैबतनाक चट्टान दो जगह देखकर मैं मबहूत हुआ जिंदगी, एक हिमालय पहाड़ को देखकर और एक वो आखिरी किनारा देखकर। सारी दुनिया फिरी पर हैबत जो तारी हुई दो जगह। जा रहे थे हम खटमंडू से ढाका, तो कैप्टन ने ऐलान किया कि आज सब आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, हिमालय पहाड़ पूरे साल में सिर्फ 10 दिन के लिए चोटी नंगी करता है, सारा साल ये बादलों से ढका रहता है, 10 दिन इकट्ठे नहीं होते, कभी एक दिन, कभी महीने के बाद एक दिन, कभी 2 महीने के बाद एक दिन, ऐसे। तो कहा वो साल में सिर्फ 10 दिन के लिए नंगा होता है, आज हिमालय पहाड़ से बादल कोई नहीं, आप देख सकते हैं। आप यकीन मानो, मैं इधर बैठा था ऐलान सुन के, उधर गया दूसरी खिड़की की तरफ, तो देखकर मैं ऐसे हुआ, ऐसी हैबत में रो पत्ता रही हुआ। वल जिबाल औतादा, और हमने पहाड़ों को कील बना के गाड़ दिया। उस दिन मुझे पता चला कि जिसके कील इतने बड़े हैं वो खुद कितना बड़ा होगा। और एक वो आखिरी किनारा देखकर मेरे ऊपर हैबत तारी हो गई। मैंने अजान दी जोर से, हवा सर्द, फिर एक छोटा सा वहां उन्होंने हाल बनाया था गर्म, जिसमें वो टूरिस्ट आके बैठ जाते थे, वहां आकर जल्दी से चादरें बिछाई और पहले मगरब की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के सुन्नतें नहीं पढ़ी कि डर लग रहा था कि सूरज ना निकला, फिर साथ ही इशा की नमाज पढ़ी। इशा की नमाज पढ़ने के साथ ही फिर फजर की अजान थी और 2 सुन्नतें पढ़कर फिर फजर की नमाज पढ़ी। फिर मैंने बयान किया, मैंने कहा अल्लाह सारे काम पूरे हो गए, तेरे नबी का पैगाम इन हवाओं ने सुन लिया, लोगों को तो हम सुना नहीं सकते, उनकी जबान नहीं आती। तो छोटी सी मस्जिद से चलने वाली मेहनत को अल्लाह ताला ने दुनिया के आखिरी किनारों तक पहुंचा दिया। आप काम करने वाले बनो, तबलीग करो सही, इसके लिए वक्त निकालो। और सबसे बड़ा अमल तबलीग का गश्त है, गश्त है। यहाँ के जो चीनी मुसलमान हैं उनको तबलीग में लगाने की कोशिश करो। हमारे पास कोई नुस्खा नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं कि हम ऐसे फेरेंगे तो हो जाएगा। गश्त के सिवा और कोई, उनसे मुलाकातें रखो, उनसे मुलाकातें रखो। जो आप पाकिस्तान के रहने वाले हो, आप खुशकिस्मत लोग हो कि आज की तबलीग की जुबान उर्दू है, हालांकि तबलीग की जुबान अरबी है, लेकिन अल्लाह ने आज तबलीग की जुबान उर्दू बनाई। अब यहां बैठे अरब थे, उनका तर्जमा हो रहा था, अरबों की जमात आई हुई है जद्दा से 40 दिन की, तो मैं, मेरे जानने वाले थे सारे, तो यहाँ बैठे थे, मैं देख रहा था, तो उनका मेरे उर्दू का उनका अरबी में तर्जमा किया जा रहा था। हालांकि तबलीग तो अरबी में होती, कुरान अरबी में और हदीस अरबी में, और मेरा नबी अरब, उसकी जुबान अरबी, हम बैठे उर्दू वाले उर्दू में तर्जमा सुन रहे होते। अल्लाह ने क्या करके दिखाया कि हमारी अजमियों की जुबान तबलीग की जुबान है और तर्जमा अरबी जुबान में अरबों को किया जा रहा है। कितना अल्लाह का हम पर करम हो कि हम बराह रास्त अल्लाह की दावत की बात को सुन रहे हैं। तो जितने आप लोग यहाँ, आप बहुत से लोग दूसरे बैठे हो जिनके वक्त नहीं लगे हुए, आपसे भी कहता हूं तबलीग के लिए, ज्यादा नहीं कहता हूं, 3 दिन कहता हूं, आप पाबंदी से 3 दिन जाना शुरू कर। उनके इस्तकबाल करें, उनको बिठाएं कम्युनिटी हॉल में, उनको इस्लाम की दावत दें। आपके जिम्मे उनसे बात करना है, वो मानते नहीं मानते ये मामला उधर चला जाता है, लेकिन आपके जिम्मे है कि उनके कोर्ट में आप बाल को फेंक दें। तबलीग का काम है मोहब्बत का, ये सख्ती का काम है ही नहीं। जुनैद जमशेद को पहले दिन मैं कहता कि तू हराम कमाता है तो ये तबलीग में लगता जी, पहले दिन जब मेरी से मुलाकात हुई थी मैं इसे कहता हूं तू हराम रोटी खाता है, हराम कमाता है तू। इसने खुद मुझे कहा एक दिन जो मोहब्बत तूने मुझे दी उसकी वजह से मैं जुड़ा रहा, वरना अगर तू एक दिन भी फतवा देता तो मैं तो गया था। तब मैं खुद कॉलेज में गुलूकार था, तो बैंजो उस वक्त होती, अब गिटार तो बाद में, मैं बैंजो बजाता था। तो जब मुझे तबलीग वाले दावत देने आए तो मेरे कमरे में बैंजो पड़ी थी, मैं बजाया करता था, गाया करता था, तो उन्होंने जरा भी नहीं कहा कि ये क्या कर रहे हो,
अरे कोई करीब तो आए। अच्छा चलो, ये तो मेरी और जुनैद की बात हो, अब आपको अपने नबी की बात सुनाता हूं। एक फाहिशा औरत, फाहिशा बाजारी औरत, कौन भाई बाजारी पेशावर औरत, आप तशरीफ फरमाते खाना खा रहे तो उसका गुजर हुआ, कहने लगी अकेले बैठे खा रहे हो, हमें दावत ही नहीं देते हो। उसने तो मजाक उड़ा, तो हमने कहा आ जा तू भी खा ले। वो आके बैठ गई, फिर कहने लगी ये नहीं खाऊंगी, जो तेरे मुंह में है ना नवाला वो निकाल के दे, मैं वो खाऊंगी। वो ठट्ठा कर रही थी और उसका मजाक वो कुब्बे नु लत पई, वो सीधा हो गया, वो उसको सीधा पड़ गया कि नबी के मुंह से निकला हुआ लुआब जब उसके मुंह में जाएगा तो ईमान से कैसे बच सकती थी। तो आपने कहा मैं तैयार हूं, अपने अपने मुंह से नवाला निकाला और अपने हाथों से उसके मुंह में डाला, अपने हाथों से। इधर नवाला उसके मुंह में गया, इधर कलमा उसके अंदर दाखिल हो गया और वो मदीने की सबसे हया वाली औरत बन गई। उसूल आदाब तो मानने वालों के लिए होते हैं, जो इन्होंने अभी माना ही नहीं उनके लिए क्या उसूल। नमाज की पाबंदी तो उनके लिए है जिन्होंने कलमा पढ़ा है। तो लोगों को करीब करने के लिए तबलीग दीन का सबसे बड़ा अमल मोहब्बत, सबसे बड़ा अमल, इससे बड़ा कोई अमल तबलीग का जरिया बात है, लेकिन तबलीग जो अंदर उतरती है वो अखलाक से उतरती। आपस में भी मोहब्बत रखो और औरों से भी मोहब्बत करो और बुरे से बुरे को भी करीब करने में झिझकना महसूस करो। मैंने कौन कब उसकी जिंदगी तब्दील हो जाए। हमने 1996 में अदाकारों में काम करना शुरू किया, हमें रायमंड से तश्कील हुई क्या फिल्मी अदाकार और स्टेज के अदाकार उनमें आप लोग काम करो। तो हमने लाहौर में जाकर डेरे लगा लिए और उनमें बात करने शुरू की। अब उनके मिलने का टाइम होता था रात 12 बजे के बाद, जब हमारे सोने का वक्त होता था उनके मिलने का वक्त होता। ये जुनैद को भी कितनी दफा स्टेज से उतारा और लेकर मस्जिद में, मेरी गाड़ी पर आया, पीछे गाड़ी खड़ी होती थी, ये उतरता था और उसको गाड़ी में बैठाकर मस्जिद में दफा ऐसा। अब वो आए हुए हैं, किसी ने शराब पी हुई है, किसी ने चर्स पी हुई है, उनके मुंह से बदबू आ रही होती थी और हम उनका इकराम करते थे, उनको बैठाते थे, उनको खिलाते थे, उनको पिलाते थे। तो अल्लाह के फजल से अब ये हाल है कि कितने जितने स्टेज ड्रामे हो रहे हैं लाहौर में, सब में तालीम हो रही है। तालीम कब होती है? जब इंटरवल होता है, इंटरवल होता है तो सारे अदाकार पीछे इकट्ठे बैठ के तालीम कराते, और ये दुनिया की अजब तालीम का हलका, उसमें लड़कियां भी साथ बैठी होती, और जैसे वो नंग धड़ंग लिबास होता उसी के साथ बैठी होती, उस नंग धड़ंग लिबास में तालीम सुनते 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 बीसियों बच्चियां शादी करके तौबा करके स्टेज छोड़ दी, और बड़ी बड़ी मशहूर लड़कियों ने हज कर ली। मेरे साथ कई लड़कियों ने हज की, मुझे कई लोगों ने ताने दिए कि ये कंजरियों को हज पे ले जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं पता नहीं कब मेरे रब की रहमत आए और उसके लिए हिदायत का फैसला हो जाए। अब हर साल 6 साल हो चुके हैं, 6 साल में 2001 से अब तक कितना हो गया, 11 साल, 11 साल हो चुके हैं, हर साल अदाकारों की जमात लड़कियां और लड़के उनके हज पर जा रहे हैं मुसलसल मुसलसल। हम हज करते हैं 15 दिन में, वो पूरा चूल्हा लगा के आते, तो जितने अदाकार गए हज पर, क्योंकि उनके पास और कोई वसीला कमाई का नहीं है तो वो रोते हैं, रोते हैं कि दुआ करो कोई अल्लाह वसीला दे दे तो हम ये काम छोड़ दें। शराब छोड़ गए, जुआ छोड़ गए, जिना छोड़ गए, 3 काम हर अदाकार के अंदर होते, 3 काम छोड़ गए। एक वहां की मशहूर अदाकारा थी, तो वो मैं ऐसे अखबार पढ़ रहा था, उसका इंटरव्यू आया हुआ था,
तो किसी ने उससे कहा आपने हज किया हुआ है? उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन मैं जब करूंगी मौलाना तारिक जमील के साथ करूंगी। तो आगे उसने सवाल करने वाले ने सवाल किया तो वो आपको ले जाएगा, मौलाना तारिक जमील साहब आपको ले जाएंगे अपने साथ? तो क्यों नहीं, वो नरगिस को ले गए थे, मुझे नहीं ले जाएंगे। तो भाई हमारा काम तो मोहब्बत करना है और करीब करना है। उसूल आदाब तो बाद की चीजें हैं, पहले तो मोहब्बत है, करीब करना और लेना सबसे पहला काम। एक गश्त ना छोड़ो मिलो, पीछे अल्लाह तुम्हारी पुश्त पर है। एक आपस में मोहब्बत रखो, किसी की कमियों पर उसकी पकड़ ना करो, सख्ती से मत किसी से बात करो। तबलीग का काम नरमी ही नरमी है, सख्ती है ही नहीं। आप अंदाजा लगाओ, ताइफ वाले कहने लगे या रसूल अल्लाह हम कलमा पढ़ते हैं पर हमारी दो शर्तें हैं। तो क्या कहा? हम जिहाद नहीं करेंगे। आपने कहा ना करो। हम जकात नहीं देंगे। आपने कहा ना दो। इतनी छूट तो सहाबा कहने गए या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं? जहाद तो अल्लाह का हुक्म है, जकात तो अल्लाह का हुक्म, ये आप कैसे कह रहे हैं? कहा इनको कलमा तो पढ़ने दो, जब पक्के हो जाएंगे तो खुद ही करते रहेंगे। कलकत्ता में एक जब अंग्रेज दौर था तो एक अंग्रेज मुसलमान हुआ, ऊपर से गर्मियों के रोजे आ गए तो उसे मुसलमानों ने कहा रोजे रखने पड़ेंगे। तो उसने तीन रोजे रखने के बाद कहा इस्लाम दीन बड़ा अच्छा है पर मेरे बस का नहीं है, और इस्लाम छोड़ दिया। तो एक बड़े आलिम थे, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने इतना वो रोए, कहने गए मेरे बस में होता तो उसे तो उन रोजा रखवाने वालों को मैं सख्त सजा देता, अगर मैं होता मैं कभी उसे रोजे का ना कहता, मैं उसे कजा करवाता। जब वो इस्लाम पे पक्का हो जाता फिर गर्मी भी सहता और सर्दी भी सहता। तो भाई दीन मोहब्बत की चीज है, मोहब्बत से फैलता है, मोहब्बत से ही हमें भी लोगों ने मोहब्बत से करीब किया। तो भाई ये गुजारिश है, यहां बहुत तेज जिंदगी है, आप इसमें तबलीग का काम जम के करो। आप सारा जितना कम अज कम मजमा बैठ गए हो, हर महीने 3 दिन की नियत करो, हर महीने हर हफ्ते अपने गश्त की नियत करो, अपने तालीम की नियत करो। जब अल्लाह आपको हिम्मत हौसला दे 4 महीने के लिए 40 दिन के लिए, पाकिस्तान को तो पाकिस्तान जाओ, इंडिया को तो इंडिया जाओ, बांग्लादेश को तो बांग्लादेश जाओ, वहां जाके वक्त लगाओ। इंशाल्लाह अल्लाह